आज हम मैचिंग सूट की कटिंग करने जा रहे हैं, जिसकी लंबाई 39 है, छाती 42 है, हिप 23 है और बाजू 5 इंच की है। तो अब हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसको फोल्ड किया है, ये हमने डबल फोल्ड किया है, ये ऐसे ऐसे हमने फोल्ड किया है, ये इसके अंदर बैंड था, इसका हमने गोल गला बनाना है। उसके आगे ये पट्टी है अंदर की तरफ, तो इसलिए हमने ये बैंड की कटिंग कर दी है। अब हम इसके ये इसकी पट्टी लगी है, इसलिए नीचे से इसकी लंबाई लेंगे, ऊपर से हम ये इसकी कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई है 39, ये इसकी 39 इंच लंबाई है, ये हमने इसका मोड़ने का लिया है। तो अभी हम यहाँ से इसका तीरा लेंगे, इसका तीरा लेंगे हम, हमने लिया है 6.5 इंच, क्योंकि इसका गला पीछे वाला गला है 5 इंच का, इसलिए हमने इसका गला थोड़ा हा लंबा ले, 6 इंच लेते हैं तो इसका 6.5 लिया है। जितना भी डीप गला होता है उसका तीरा कम लेना होता है। ये हम इसका मोड़ डालेंगे 7.5 इंच, हमने 7.5 इंच इसका मोड़ा लिया है। अब हम इसकी लेंगे छाती, छाती है इसकी 42, तो हम 7.5 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। अब हम इसका कमर का निशान लगाएंगे, ऊपर से 14.5 इंच पे लगाएंगे। कमर इसकी 40 इंच है, तो हमने ये 10 इंच ले लिया है, 14.5 इंच। ये यहाँ से थोड़ा सीधा लगा के फिर ऐसे टेढ़ा लगाना है, कमर को और छाती को मिला दिया। अब हम लगाएंगे हिप, हिप हमारे 14 इंच पे हैं, हमारे हिप हैं 23 का है 11.5 इंच, 11.5 इंच पे हमने निशान कमर और हिप को मिला दिया है। ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग के लिए ये हमने निशान लगा दिया है, ये मुड्डे की गुलाई, ये प्लेट है, यहाँ पे हम प्लेट जरूर डालते हैं, क्योंकि ना ही तो इसके अंदर झोल आएगा ना ही गले पीछे को जाएगा। ये हम बैक का पीस कटिंग कर रहे हैं, ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम आगे वाला पीस इसके ऊपर लगा के इसकी ऊपर लगा लिया है, अब इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसका बैक वाले गले की कटिंग, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और ये नीचा 5.5 इंच लेना है। ये मैं 0.5 इंच की आगे की गुलाई
आटे की गुलाई कर दी है। अब हम इसका गला बनाएंगे, टैट्रोन लगा के इसका गला बनाएंगे। ये हम बाजू की कटिंग करने जा रहे हैं। ये हमने 5.5 इंच बाजू तैयार करनी है। ये इसकी मुड़ाई के लिए हम आगे इसको पट्टी लगाएंगे सलवार की, तो ये सिलाई के लिए ये हमें 10 इंच की पूरी ली है। आगे की कटिंग ये हमारी बाजू कटिंग होती है।